रागमाला, ये शब्द आप लोगों ने हो सकता है पहले कई बार सुना हो। तालमाला, ये शब्द आपने सुना होगा। आज इस पर पूरे वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ और कई बारीकियाँ बताने की कोशिश करूँगा अपने अनुभव अनुसार, जो पिछले इतने वर्षों में मैंने अपने गुरुओं से, उनकी संगत से सीखा। उसमें रागमाला या फिर किसी भी गीत की कॉम्पोजिशन करते वक्त किन छोटी यूनिक बारीकियों का ख्याल रखते हुए आप उस कॉम्पोजिशन को थोड़ा अलग बना सकते हैं आम किसी भी धुन से, या जो उमूमन धुनें बनती हैं उनसे थोड़ा एक विविधता उनमें आ जाए, वैरायटी आ जाए, थोड़ा सा विलक्षण हो जाए, वो थोड़ा यूनिक बन जाए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, उसमें रागमाला भी अपने आप में एक पॉइंट है। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि रागमाला क्या होती है। कॉम्पोजिशन जब धुन बनाते हैं किसी गीत की, तो शब्दों के मुताबिक उनकी रचना कैसे की जाए और क्या रोल पड़ता है काकू भाव का, काकू भेद का, और क्या क्या इफ़ेक्ट्स और डाल सकते हैं आप अपनी कॉम्पोजिशन में जिसमें वॉइस एक्सप्रेशंस भी आ जाएं, राग की राग का असर भी आ जाए और धुन में एक जिंदा दिली आ जाए, धुन जिंदा हो जाए, ऐसा क्या कर सकते हैं। कोशिश करूँगा थोड़ी बहुत बातें आपको उससे रिलेटेड बताने की, लेकिन पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो ही आप वो चीज़ समझेंगे। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट में देख लें और ये सोचें कि अरे ये टॉपिक तो हमारे समझ आ गया या इसमें ऐसा क्या नया है, है ना। पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। आप भुला दे मुझे को मेरा सयोनी, मोह मुझे तोरी माया में सयोनी। तो जिस गीत का मुख्य रूप से मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ आज, वो है क्या तुझ पे नज़्म लिखूँ। ये उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब की बनाई हुई, रची हुई एक रागमाला है, जिसको आप एक गीत कह लीजिए, एक नज़्म कह लीजिए, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि दो लाइन का इसका स्थाई है और नौ नौ लाइन के दो अंतर हैं। एक अंतरा नौ लाइन का है और दूसरा अंतरा भी नौ लाइन का है। तो ये उनकी बनाई एक रागमाला है, एक गीत है, एक नज़्म है जो उन्होंने ही लिखी है और उन्होंने ही इसकी धुन बनाई है। तो मुख्य रूप से मैं इसका एग्जांपल लेते हुए आज पूरा समझाने जा रहा हूँ और बीच बीच में कुछ अपनी, कुछ अपने दादा गुरुजी की, कुछ अपने पिताजी की रचनाओं का भी एग्जांपल लेते हुए आपको समझाऊँगा कि किस तरह से वैरायटी ऑफ रागों का इस्तेमाल एक गीत में करके उसे थोड़ा सा यूनिक बनाया जा सकता है और कैसे ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ही राग का अंग लेकर, अक्स लेकर, थोड़ा सा मिश्रण देकर भी एक यूनिकनेस पैदा की जा सकती है। तो सबसे पहले इस गीत पर बात कर लेते हैं, क्या तुझ पे नज़्म लिखूं। अब थोड़ी यूनिकनेस इसकी आप सुनेंगे तो थोड़ा ताज्जुब करेंगे कि ये गीत 18 रागों में बनाया गया है। ये ऐसी रागमाला है जो 18 रागों में है, 18। अब आप सोचेंगे 18 रागें एक गीत में कैसे समा सकती हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया कि इसके नौ लाइन का एक अंतरा और नौ लाइन का दूसरा अंतरा है, तो नौ पंक्तियों में नौ रागें और दूसरी नौ पंक्तियों में दूसरी नौ रागें हैं। कैसे आई, कैसे कंपोज करा, कैसे ब्लेंड हुआ कि एक रंग से दूसरे रंग में गए और अजीब भी नहीं लगा, कि क्या ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की होगी, वही रागमाला की खास बात है, जिसको अगर हम शास्त्रीय संगीत की ज़बान में देखें तो एक तिरोभाव और आविर्भाव, ये भी एक टॉपिक होता है। यानी तिरोभाव यानी किसी संप्रकृति राग में जाना और आविर्भाव यानी उससे लौटकर उसी राग में आ जाना, कि जैसे कि आप मान लीजिए बाहर गाते गाते मियां मल्हार में चले गए, या केदार गाते गाते हमीर में चले गए, या आपने जयजयवंती और देश को मिला दिया, है ना, और वापस देश में आ गए दोबारा। तो ये कुछ संप्रकृति रागे हैं जिनको आप एक के बाद एक गाकर, थोड़ा सा उनका अंश देकर तिरोभाव या आविर्भाव कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको करके बताऊं, ये पहली काली से मैं जयजयवंती का थोड़ा सा स्वरूप, निसा द नि रे रे गा मरे ग रे सा नि सा द नि प रे रे गा म प मरे गरे सा मा बने ने सा रे ध पद म ग रे गरे सा नि सा ध नि रे। आपने देखा उत्तरांग अंग में जब मैं गया तो मैंने देश लगाई, म प ने सा रे ध
जबकि अगर मैं जयजयवंती में ही रहता तो मा पाने ने सा साने जदाने दा बदा गमरे गरे सा। ये जयजयवंती में ही रहकर मैं लौट आया, लेकिन वहां मैं देश में गया और लौट दोबारा जयजयवंती में आया। म प निसा जो है, रे म प निसा म प निसा, ये जो है खास करके जब जयजयवंती का उत्तरांग जाता है तो थोड़ी सी देश की झलक उसमें आती है, तो वो आप मिला सकते हैं। ये फॉर एक छोटा सा एग्जांपल था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात तो मैं शुरू में जो मुझे बतानी चाहिए थी अब बता रहा हूँ कि ये थोड़ा एडवांस लेसन है, ये बिगिनर्स को उतना नहीं समझ आएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत विस्तार से किसी चीज़ के बारे में नहीं बताऊँगा। जैसे जयजयवंती और देश, अब इन दो रागों के बारे में विस्तार से नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इनका एक छोटा सा नाम लिया और स्वरूप गा दिया, तो जिनको मालूम है उनको पता चल जाएगा कि तिरुभाव और आविर्भाव क्या हुआ। अदरवाइज तो ये कोई बेसिक लेसन नहीं है जिसमें मैं जयजयवंती का विस्तारपूर्वक वर्णन दूँ या देश का विस्तारपूर्वक वर्णन दूँ, वो हमने इंडिविजुअली सिखा रखा है। खैर, तो इसको तिरुभाव और आविर्भाव कहते हैं। इसी ही तरह से तिरुभाव और आविर्भाव गीतों में होता है जब उस इमोशन का जिक्र आए। अब जैसे कि मैंने छेड़ ही दिए जयजयवंती, तो मैं अपनी ही एक गज़ल जो काबिल अजमेरी साहब, उस्ताद काबिल अजमेरी साहब की लिखी हुई है और उसकी धुन बनाई है मैंने जयजयवंती में, बहुत कुछ पुरानी है, 2-2.5 साल पुरानी है, तजाद जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे। इसमें एक शेर आता है, उसकी धुन बेसिकली तो ये पूरी गज़ल जयजयवंती में है जो मैंने धुन बनाई, लेकिन इसके एक धुन में बीच में बहार शब्द आता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, बहार एक राग का नाम भी है, तो मैंने उस नाम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ बहार राग का तिरुभाव किया और लौट कर मैं आविर्भाव करके जयजयवंती में आया। ये छोटा सा अंग मैं आपको करके बताता हूँ। मूल जो कॉम्पोजिशन है, तजादे जज्बात में ये नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे, मैं रो रहा हूँ। अब यहाँ भी देखिए थोड़ा सा काकू का इस्तेमाल है कि रो रहा हूँ, तो रोने की आवाज, मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, तो ये अचानक से मैंने हंसी का भाव दिया, तो स्वरों में भी वो चंचलता आई और रोने में वो गंभीरता। मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे, तो क्या करोगे। खैर, इसका जो शेर आता है, कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ मेरे लहू की बहार कब तक। ये शेर है कि कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ मेरे लहू की बहार कब तक। तो इसमें बहार शब्द जैसे ही आया तो मैंने बहार राग में वहाँ आविर्भाव किया, थोड़ा सा तिरुभाव किया, उसका आलापचारी की। और ये कोई मेरी यूनिकनेस नहीं है, मैं पहले ही बता दूँ, ये हमारे जो दिग्गज हैं मेहदी हसन खान साहब हों या उस्ताद गुलाम अली जी हों, ये बहुत इस्तेमाल किया है इन लोगों ने, फिल्मों में बड़ा इस्तेमाल हुआ है, जगजीत साहब ने बहुत इस्तेमाल किया, ये दिग्गज कॉम्पोजर्स, दिग्गज जो गायक हैं, रचनाकार हैं, उन्होंने इस जो एलिमेंट का है बड़ा इस्तेमाल किया है, तो हमने तो वहाँ से सीखा है, अडेप्ट किया है, जो हम अपनी गज़लों में अपने गीतों में थोड़ा थोड़ा उसका इनपुट दे देते हैं। तो कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ मेरे लहू की बहार कब तक, बहार कब तक। अब आप सभी जानते हैं कि जयजयवंती में मा बने ने ये नहीं लगता है, दोनों निषाद का इस्तेमाल होता है, मगर इस ढंग से नहीं होता है, ये बहार का अंग है। बहार कब तक, बहार कब तक, कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ मेरे लहू की बहार कब तक, मेरे लहू की बहार कब। तो बहार में जाके मैं लौट कर दोबारा जयजयवंती में आ गया। हो सकता है मैं शायद उतना कुशलतापूर्वक बहार नहीं दिखा पाया, लेकिन कोशिश मेरी ये थी कि वहाँ बहार लगे। अब इसी ही तरह से मैंने कई बार इस टॉपिक को एक्सप्लेन भी किया है कि वॉइस से इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं, जैसे कहीं शब्द आ गया अगर दूर, जैसे तुम मुझसे दूर
तो इसमें दूर में आपको वो दूरी नजर आ गई कि मैंने स्वर को खींच दिया, या फिर लहर लहर में बहूं, लहर लहर में बहता मैं, लहर लहर लहर। अब ये लहर, तो लहर छोटी सी लहर दिखाने की कोशिश, जो आप देखेंगे बड़ा अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। गुलाम अली जी की एक बड़ी अच्छी गज़ल है कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, ये उसमें उन्होंने लहरें बड़ी खूबसूरती से दिखाई हैं। तो ये छोटे छोटे इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं। खैर, अब रागमाला पर आ जाते हैं। रागमाला जो होती है, एक राग से दूसरी राग में शिफ्ट करना, दूसरी से तीसरी में शिफ्ट करना, तीसरी से चौथी में शिफ्ट करना, ये उसकी खासियत होती है। जो गीत मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्या तुझ पे नज़्म लिखूँ, इसमें 18 रागे हैं। इसके अगर मैं शब्द आपको पढ़कर दिखाऊं तो आपको मालूम चलेगा कि मैं किन 18 रागों का जिक्र कर रहा हूं। तो ये गीत शुरू होता है, क्या तुझ पे नज्म लिखूं और कैसा गीत लिखूं, जब तेरी तारीफ करूं सुर ताल में मीत लिखूं। ये तो सादा सा अंतरा, यानी इसमें ज़्यादा कोई राग का नाम वगैरह नहीं आया, लेकिन आगे देखिएगा जो कमाल उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन खान साहब ने किया है वो बड़ा बाकमाल है कि कलावती में तेरी छवि है, कलावती में तेरी छवि है मुखड़ा रूप का दर्पण। अब यहाँ कलावती जो है ये राग का नाम है, और इन्होंने जब इसको कॉम्पोज किया तो उसको कलावती में ही किया, ये खास बात है। शुरू की दो पंक्तियाँ इन्होंने यमन में बनाई, यमन से शुरू किया है, लेकिन आगे जाकर इन्होंने कलावती का इस्तेमाल किया कि कलावती में तेरी छवि है मुखड़ा रूप का दर्पण, तेरे लबों के रंग में पाए मैंने लाली यमन। तो लाली जैसे आप लबों पर लगाते हैं लालिमा लाने के लिए, वही लाली यमन। अब यहाँ यमन शब्द इन्होंने इस्तेमाल कर दिया और यमन में कंपोज किया। फिर हवा में उड़ती लट का स्वागत करती जय जयवंती। अब जय जयवंती अभी मैंने आपको बताई, जय जयवंती राग है। महका महका खिला खिला सा तेरा रंग बसंती, राग बसंत है। बाली कमर पे जैसे पहाड़ी पर घनघोर घटाएं, पहाड़ी एक राग है। मेघ से नैना सावन भादों प्रेम का रस बरसाएं, मेघ एक राग है। तेरी सोहनी मोहनी मूरत, तेरी सोहनी मोहनी सूरत कोमल कंचन काया, सोहनी एक राग है। जाने गजल किस्मत से पाई तेरे हुस्न की छाया, छाया नट एक राग का नाम है। जिसमें सुखन रागेश्वरी रूहे संगीत लिखूं, रागेश्वरी एक राग है, क्या तुझ पे नज्म लिखूं। तो ये नौ रागों का नाम, नौ रागों के नाम आए एक अंतरे में। अब दूसरा अंतरा है, तेरी धानी चुनरिया लहरे जैसे मधुर बयार, धानी एक राग है। प्यार का गुलशन महका महका तुझसे जाने बहार, बहार अभी मैंने आपको सुनाई। तेरी एक झलक है काफ़ी मुझको जान से प्यारी, काफ़ी राग है। चाल नशीली देख के तेरी रक्स करे दरबारी, दरबारी एक राग है। सर से पांव तलक दिलकश अंदाज तेरा शाहाना, शाहाना एक राग है। तू मेरी गुणकली है जानम मैं तेरा दीवाना, गुणकली एक राग है। तेरी चाहत दिल में लेकर घूमा देश विदेश, देश अभी जिक्र किया मैंने, राग है। तुझसे जब भी दूर रहा हूँ धारा जोगी अभेस, जोगिया एक राग है। सदा सुहागन भैरवी तुझको प्रीत की रीत लिखूं, भैरवी आप सभी लोग जानते हैं एक राग है, क्या तुझ पे नज्म लिखूं और कैसा गीत लिखूं। नौ रागों का मिश्रण करके ये रागमाला जो है उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन खान साहब ने रची, कितनी खूबसूरत है। आइए अब इसकी धुन देखेंगे। अच्छा, छोटा सा जिक्र कर दूं, ये नज्म आज मैं सिखाने नहीं वाला हूं, सिर्फ इसकी कॉम्पोजिशन को डीकोड करने वाला हूं। अगर ये नज्म सीखनी है नोटेशन बाय नोटेशन, तो मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है। वीडियो तो क्या है, क्लास में एक स्टूडेंट को मैं सिखा रहा था, तो एक लगभग 50-52 मिनट का एक वीडियो बन गया जिसमें मैं वो नोटेशंस बता रहा हूँ एक एक के। देखो ये ऐसे बजेगा, क्या ऐसे बजेगा, तुझ पे ऐसे बजेगा, नज्म ऐसे बजेगा, हारमोनियम पर, और गवेगा कैसे। तो वो वीडियो मैंने अपने एक दूसरे चैनल पर, अपनी पर्सनल आईडी है उस पर डाल दिया है, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ ऐसा, इतना बड़ा वीडियो है आप लोग वैसे भी नहीं देखेंगे, मुझे ये भी डाउट है कि ये वीडियो भी उतना देखेंगे, मगर फिर भी। तो उस वीडियो में मैंने अच्छे से नोटेशन समझाए, वो मैं यहाँ इस मेन चैनल पे नहीं डाल रहा हूँ, हो सकता है कॉपीराइट का कुछ इशू आ जाए, क्योंकि उसमें मैंने इस नज्म को प्ले भी किया है यूट्यूब पर, तो वो मैंने उस पर डाला हुआ है, वो मोनेटाइज नहीं है चैनल इसीलिए। तो उसका लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोग व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ते हैं, मैसेज करते हैं, तो वहाँ मैं ज़रूर आपको वो दे सकता हूँ अगर आपको सीखनी हो। एक यूनिक चीज़ है इसीलिए सिखा रहा हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये कॉम्पोजिशन, और मेरे मन में, क्योंकि ये चीज़ें मैं बचपन से करता आया हूँ, मेरे पिताजी ने अपनी कॉम्पोजिशंस में इस एलिमेंट का बड़ा इस्तेमाल किया है। जैसे जब लक्षण गीत उन्होंने रचे
तो लक्षण गीत में जिन जिन रागों के स्वरों का नाम आता था कि ये कोमल है ये तीव्र है, तो वो कोशिश करते थे कि उस ही में कॉम्पोजिशन हो। ये बड़ी ही एक अच्छी ट्रिक, एक कॉम्पोजिशन की एलिमेंट है जो उन्होंने अपने मेरे दादा गुरु यानी उनके गुरु जी पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी से अडेप्ट किया। मैं कुछ उनकी कॉम्पोजिशंस भी सुना देता हूँ, जैसे अपनी दादा गुरु जी की एक यमन में मैं आपको एक लक्षण गीत सुनाता हूँ और आपको वहाँ बताता हूँ कि कैसे उन्होंने इस एलिमेंट का इस्तेमाल किया है। कहत गुणे जन राग मन तब मध्यम तीवर शेष शोध स्वर। कहत गुणे जन राग मन तब माग मधमादनी साकी संगत। तो ये अंतरे के जो शब्द हैं माग मधमादनी साकी संगत, तो इसमें उन्होंने वही स्वर इस्तेमाल किए कंपोज करने के लिए, किसी में भी कर सकते थे। मध 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 नी सा की, ऐसे भी हो सकती थी कंपोजिशन, लेकिन उन्होंने ये खास ख्याल रखा कि म जब जो अक्षर बोले उसको उसी स्वर में बनाएं। म ग म ध म द नी सा की, है ना। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं कि धुन कैसे बनती है, जो स्वर संगतियां हैं उन पे शब्द पिरो दिए जाते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नी सा। अब इस पे मैं शब्द दूसरे रख दूं, ये सारे ग म प ध नी सा अक्षर की जगह मेरा नाम निषाद है, ये भी हो सकता है। और मेरा नाम निषाद है मेरा नाम, तो किसी को भी मेरा नाम शायद है। तो ये मैंने लंबे लंबे सुरों में खींच के उन्हीं स्वर संगतियों में मेरा नाम निषाद है की कंपोजिशन कर दी, है ना। तो इसी तरह से उन्होंने ही बनाया म ग म ध म द नी सा की संगत। निरे गर निरे सा निधनी की रंगत, तो नीरे गरे नीरे सा, ये अगर शब्दावली है तो उसको कंपोज नीरे गरे नीरे सा में निधनी की रंगत, तो निधनी को निधनी में ही कंपोज करना, ये खास बात है। इसी तरह से मैंने एक थाट माला रची थी, आपको मैंने पिछले एक वीडियो में भी जिक्र किया था उसका, जिसमें मेरे पिताजी ने मुझे ये बोला कि एक थाट माला बनाओ, तो मैंने उन्हीं का एक एलिमेंट जो मैंने उनसे सीखा, उन्होंने अपने गुरुजी से सीखा, तो मैंने उसी का एलिमेंट का ख्याल रखते हुए उसमें जिस जिस थाट के जिस जिस स्वर का जिक्र किया तो उनका स्वर रचना भी वही रखी। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, थाट बेलावल शोध स्वरों का मेल है रंजक, थाट भैरवी धनि रे गा कोमल। तो इसमें धनि रे गा, तो मैंने धनि रे गा के ही सुर इस्तेमाल किए। धनि रे गा कोमल थाट कल्याण में माँ है तीवर माँ, तो मैंने तीव्र माँ ही लगाया। माँ है तीवर भैरव थाट में रे धा कोमल। तो आपने देखा जब मैंने रे और ध शब्द बोले अक्षर बोले तो रे धा कोमल, तो रे और ध का ही इस्तेमाल किया। काफी मेल में गानी वेकृत, तो गानी वेकृत राग का भी स्वरूप का ख्याल रखते हुए, ये बड़ा मुश्किल पड़ जाता है इसको धुन को बनाने में, कि राग का चलन भी रह जाए, वो अक्षर का नाम भी आ जाए, उस अक्षर का सुर भी लग जाए। गाने कोमल थाट खमाज में नी है कोमल, तो नी नी कोमल लगाया। फिर मैंने आसावरी है वेकृत धनी, तो ध ध नी कोमल ग का थाट, तो वही सुर लगाए। फिर मेल मारवा
रे मा वे कृत, रे से शुरू किया और मा पे, रे मा वे कृत थाट पूर्व में रे धाको मल, तो रे धाको मल मा है तीवर तो मा तीव्र लिया, मा है तीवर तोड़ी थाट में धमघरे धमघरे वे कृत। तो ये छोटी सी एक कोशिश थी, अब ये ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जब जब उन्होंने क्या तुझ पे नज्म लिखूं में इस राग का नाम लिया है तो वहां उन्होंने वो ही राग में कंपोज कर दिया उसे। ये एक बड़ा कमाल चीज है। जैसे मैं अपने भैरवी का एक लक्षण गीत मेरे पिताजी का है उसका भी एग्जाम्पल दूं तो राग गाए भैरवी राग गाए धनी रे गा कोमल धनी रे गा कोमल, तो उन्होंने धनी रे गा कोमल सुर लगाए भैरवी राग गाए, ठीक है, तो धनी रे गा ही इस्तेमाल किया उन्होंने लक्षण गीत में। इसी तरह से आपने गीत सुना होगा कुहू कुहू बोले कोयलिया, कुहू कुहू बोले कोयलिया रागमाला का बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि ये शुरू तो सोहनी में होता है लेकिन बाद में ये एंड यमन से होता है। बीच में मेरे ख्याल से आसावरी या जौनपुरी का इस्तेमाल किया गया और मियां मल्हार का भी इस्तेमाल किया गया है। इसको अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे रागों का ब्लेंड है, शिफ्ट है। इसी तरह तालमाला भी होती है, आप देखेंगे कि जिसका स्थाई जो है वो तीन ताल में है लेकिन अंतरा जो बनाया वो एक ताल में है। ऐसी भी रचनाएं होती हैं ना, जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। एक मेरे दादा गुरुजी की बंदिश मुझे ध्यान आई है अभी, शुद्ध सारंग में है कि और द्रुत लय की है, तो वो एक ताल से शुरू होती है और तीन ताल में शिफ्ट होती है अंतरा और दोबारा एक ताल में आ जाता है। कैसे है, अलबेली नार सुहावे दृगनन को बाण चलावे, ये स्थाई है, और चंद्र बदन दुति कुंद दृगन की मदन कमान चढ़ावे, ये अंतरा है और ये अंतरा तीन ताल में और दोबारा से स्थाई इसका एक ताल में आ जाता है। किस तरह से है ये, अलबेली नार सुहावे अलबेली नार सुहावे अलबेली, तो चाल आपको सुनते ही मालूम चल गया होगा, दिन दिन दागे त्रक तुन्ना कत्ता दागे त्रक धिन्ना दिन दिन दागे त्रक तुन्ना कत्ता दागे त्रक धिन्ना दिन दिन दागे त्रक तुन्ना कत्ता दागे त्रक धिन्ना, तो कैसे जा रहा है, दिन दिन दा अलबेली नार सुहावे अलबेली नार सुहावे दृगनन को बाण चलावे अलबेली नार सुहावे। अब आप देखेंगे ये कब तीन ताल में शिफ्ट होता है मालूम नहीं चलता, अलबेली अलबेली नार सुहावे अलबेली चंद्र बदन दूति कुंद दृगन के, चंद्र बदन दूति कुंद दृगन के मदन कमान चढ़ावे अलबेली नार सुहा, है ना, वहां पे ये तुरंत तीन ताल में एक ताल में लौट आता है और अंतरा इसका तीन ताल में जाता है। ये तालमाला का एग्जाम्पल है। ऐसे ही तालमाला मतलब विभिन्न तालें भी इस्तेमाल हो जाती हैं उसमें। ऐसे ही आपको एक और एलिमेंट बताता हूं मैं, ये जो बातें मैं जितनी बता रहा हूं आई नो मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा और आप सीख नहीं पा रहे इससे कुछ, लेकिन ये बड़े कॉम्पोजिशन के स्पेशल एलिमेंट हैं जिनको अगर आपने समझ लिया तो इंजॉय करने में चार गुना हो जाएगा आपका मजा, है ना। जैसे आप देखते हैं कि उमूमन जो गाने होते हैं उनके अंतरे जो हैं सेम टू सेम होते हैं, यानी एक अंतरा जैसा है वैसा ही दूसरा अंतरा है, तीसरा अंतरा भी वैसा ही है, लेकिन गज़लों में खास करके और रागमाला टाइप चीज़ों में, है ना, जो प्रॉपर रागमाला भी नहीं होगी लेकिन उसमें अंतरों की कॉम्पोजिशन अलग होती है। और ये सिर्फ सुगम में नहीं क्लासिकल में भी होता है, जहाँ आप देखेंगे कि किसी भी बंदिश के दो अंतरे हैं तो दूसरे अंतर की कॉम्पोजिशन ही अलग है, है ना। उमूमन ऐसा लोग सीखते नहीं है, मैं बड़ी रेयर चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये सुनने में इसीलिए अचंभित लगती हैं क्योंकि ये ना सीखी गई हैं ज़्यादा लोगों द्वारा और ना प्रचलन में। प्रचलन में वही सीधा सीधा है कि एक ही ताल में गाना है भाई, और वो भी तीन ताल में ही गाना है अगर बंदिश गानी है तो, या गाना गाना है तो कहरवा में ही गाना है। जो मैं थोड़ा सा यूनिक बताने की कुछ कोशिश करता हूँ इस चैनल पर जो शायद आपको दूसरे चैनल्स पर न मिले, और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि न मिले
ऐसा नहीं है कि शायद उनको भी नहीं आता हो, आता होगा उनको, लेकिन वो बताने से कतराते हैं क्योंकि कोई जानना तो चाहता ही नहीं है, व्यूज तो मिलेंगे नहीं। मुझे व्यूज की कोई चिंता नहीं है, मुझे सुधी श्रोता मिल जाए मेरा काम हो जाता है ना। तो मैं आपको ऐसी रेयर रेयर चीज़ें जो है खजाने से निकाल के आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बड़ी ही जिद्दोजहद से, इसमें थोड़ा क्रेडिट मैं अपना ले रहा हूँ, बड़ी ही जिद्दोजहद से गुरु संगति से मैंने सीखी है। बहुत कुछ खोना पड़ता है इस सब को पाने के लिए, है ना। तो ये मैंने बहुत कुछ खोया है, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, और ये सौभाग्य है मेरा कि मुझे खोने को मिला। ये कोई मैं बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ अपना, ये मेरा सौभाग्य है कि मौका मुझे मिला है कि अपने गुरुओं के साथ मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोकर, है ना। खैर, ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ निःशुल्क देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी का वो नसीब नहीं है तो क्या हुआ, उसे वो चीज़ तो मिलनी चाहिए। अगर मैं अपने नसीब से चुरा के वो थोड़ा सा दे दूँ। खैर, तो तालमाला ऐसे होती है। हाँ, जो मैं कंपोजिशन की बात बता रहा हूँ कि एक ही गीत में अंतरे अलग अलग राग में हों, और अगर राग भी अलग नहीं तो कंपोजिशन अलग हो। एक छोटी सी मैं अपनी ही गजल का एग्जांपल देता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था, ये इरफान सत्ताहर साहब की लिखी हुई गजल है और मैंने कंपोजिशन की थी मधुवंती में। मधुवंती, इसका ये मतलब नहीं कि वो शुद्ध मधुवंती है, गजल है तो थोड़ी लिबर्टी मैंने भी ली है, थोड़े कुछ विवादी स्वरों का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके आप देखेंगे शेर जो हैं वो सारे सेम नहीं हैं जैसा उमूमन गानों में होता है कि सेम टू सेम चलते हैं, सेम धुन होती है, इसमें अलग अलग है। छोटा सा एग्जाम्पल, ये खबर है मुझ में कुछ मेरे सिवा मौजूद है, अब तो बस मालूम करना है कि क्या मौजूद है। ये इसका मतलब है, यानी स्थाई समझ सकते हैं आप। फिर ख्वाब में एक जख्म देखा था बदन पर जिस जगह, सुबह देखा तो वहां एक दाग सा मौजूद है। ये पहले शेर की कंपोजिशन हुई, लेकिन दूसरे शेर की, एक पल फुर्सत कहाँ देते हैं मुझको मेरे गम, एक को बहला दिया तो दूसरा मौजूद है। दूसरी लाइन की कंपोजिशन सेम थी लेकिन पहली की बदल दी थी। फिर हाँ, खुदा है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, इससे तुम ये मत समझ लेना खुदा मौजूद है। बहुत बाकमाल अल्फाज हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी फिलॉसफी इस गज़ल में देखने को मुझे मिली, तो मैंने इसकी धुन बनाई। तो देखा आपने, दो अंतर मैंने आपको सुनाए और तीन अंतर मैंने आपको सुनाए, तीनों शेरों में जो है कॉम्पोजिशन मैंने अलग रखी है। तो ये कुछ एक यूनिकनेस होती है अपार्ट फ्रॉम यूजिंग एनी अदर राग, दूसरी राग का इस्तेमाल करने के अलावा। मेरे ख्याल से सारी बातें मैंने बता दी। देखिए, मेरे मन में ना बहुत सारी बातें थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसी एक वीडियो में कवर कर देता हूँ। आई नो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर मेरे ख्याल से काफ़ी है, ये एक ही टॉपिक है, क्योंकि धुन बनाते समय दूसरी रागों का इस्तेमाल करना या कॉम्पोजिशन बदल देना या कॉम्पोजिशन में कैसे यूनिकनेस डालना, ये आपको सीखना है, ये नहीं सिखाएंगे लोग, है ना। एक बड़ी ही दुर्भाग्य की बात लोगों के लिए होती है और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे गुरु जो रहे वो सर्वगुण संपन्न रहे। अब मैं ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरे गुरु हैं इसीलिए मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, मगर ऐसा है नहीं। सर्वगुण संपन्न से मेरा ये अर्थ है जिन्हें गायन का भी नॉलेज हो, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का, यानी सितार, हारमोनियम, तबला, ढोलक, वायलिन, गिटार, इन इंस्ट्रूमेंट का भी नॉलेज हो और नृत्य का भी नॉलेज हो। संपूर्ण संगीत, मैंने संपूर्ण संगीत धारी महापुरुषों से सीखा है, है ना। ये मेरा सौभाग्य है, पंडित अवध किशोर पांडे जी मेरे पिताजी और पंडित नरेंद्र कुमार ब्यावत जी, ये
बहुत दो गुणी जन है जिनकी संगत में मैंने ये बारीकियाँ सीखी, कोई मेरी अपनी नहीं है, ये उन्हीं से उधार ला के आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, उन्हीं से सीखा है मैंने ये कि कॉम्पोजिशन कैसी की जाती है और कॉम्पोजिशन के गुर क्या होते हैं बारीक, और क्या क्या ऐसी खास बातें आप उसमें डाल दो जो आपको यूनिक बना देती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि दो तालों का इस्तेमाल कर दिया, दो रागों का इस्तेमाल कर दिया, बंदिशों में भी होता है। अब फाइनली मैं क्या तुझ पे नज़्म लिखूं मैं आ जाता हूं, जिससे मैंने जो पॉइंट मेरे दिमाग में आया कि यार ये आ गया है, अब मैं क्योंकि ये सारी पॉइंट्स थे इतने सारे जो मुझे बताने थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था किस टॉपिक पे बताऊं, लेकिन अब आ गया कि रागमाला के अंतर्गत मैं ये बता सकता हूं। तो अब मैं एक एक करके इस पूरी नज़्म का इस पूरी नज़्म को डिकोड, जिसको कहेंगे अंग्रेज़ी में, वो करने जा रहा हूं। थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे साथ बने रहेंगे तो एक एक करके मैं आपको ये सुना दूंगा। इस नज़्म का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिटेल में जो मैंने 52 मिनट में सिखाया, ऑल दो यही वीडियो इतना लंबा हो जाएगा तो मैं क्यों ही डर रहा था, लेकिन खैर फिर भी। तो यमन से ये शुरू होती है। क्या तुझ पे नज्म लिखूं, एक बहुत ही दुस्साहस का काम करने जा रहा हूं मैं, ये बहुत मुश्किल कॉम्पोजिशन है, उसे अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो कोई भी भूल चूक इसमें हो तो प्लीज मुझे क्षमा करें, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इस चीज का, लेकिन बड़ी प्यारी कॉम्पोजिशन है तो मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या तुझ पे नज्म लिखूं और कैसा गीत लिखूं, जैसा कि मैंने बताया यमन है, लेकिन शुद्ध मध्यम का हल्का सा इस्तेमाल किया। सारे ग ग तीव्र म रे रे ग ग शुद्ध म ध प रे ग म ध प, है ना, यहाँ थोड़ी सी यमन से लिबर्टी ली गई है, लेकिन उसका जो मूल है वो यमन है। जब तेरी तारीफ करूं, सुर सुर ताल में मीत लिखूं, क्या तुझ पे नज्म लिखूं। ठीक है, यहां तक तो यमन थी, फिर अंतरे शुरू होते हैं। कलावती में तेरी छवि है, अब ये पूरी कलावती गबदने ने दब, खमास थाट की राग है, निषाद कोमल लगता है। गबदने दब गब गजने दने सा ग ग प प द द ने 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 दब गब द ने सा ने दब ने ने दब ग प द ने सा। कलावती में तेरी छवि है, मुखड़ा रूप का दर्पण। मध्यम और ऋषभ जो मैंने वर्जित बताए थे वो लग गए हैं इसमें, जैसा कि मैंने बताया सुगम है ना, उसमें चलता है, उसमें थोड़ा विवादी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मुखड़ा रूप का दर, मुखड़ा रूप का दर्पण, तेरे लबों के रंग में पाए मैंने लाले यमन। यमन में आ गए। निरेगा मदनी पल मरेगा, हवा में उड़ती लटकास, हवा में उड़ती लटका स्वागत करती जय जयवंती। ये गमा हवा में उड़ गमा पद गम रे गे सने सदने रे, दोनों निषाद का इस्तेमाल करते हुए, दोनों गंधार का इस्तेमाल करते हुए ये जय जयवंती आ जाती है। रे गे सने सदने रे गम रे गे सा गम पद गम रे गे सा, हवा में उड़ती लट लट का स्वागत करती जय जयवंती जय जयवंती। मैं फिर बता रहा हूँ, ये पूरी नज्म मैंने बारीक नोटेशन टू नोटेशन स्वर बाय स्वर सिखाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। फिर आते हैं महका महका खेला खेला सा तेरा रूप बसंती, पूर्वी थाट की राग है। सा शुद्ध गा तीव्र मा कोमल ध कोमल रे सा ने ध प म ग म रे ग म ग रे सा मा म म, थोड़ा सा बाहर का अंग आता है ये शुद्ध मध्यम लगा के, ये तो बसंत में भी आता है तो उसी का इस्तेमाल है। महका महका खेला खेला सा तेरा रूप बसंती,
अब यहाँ जो अगली है वो पहाड़ी राग है, लेकिन पहाड़ी को पूरी नज्म तो मेरे ख्याल से सी शार्प यानी पहले काली से ही गाया है इन्होंने गाया है, लेकिन पहाड़ी जो है वो क्योंकि थोड़ी अलग धुन चली जाती है तो उसको उन्होंने तीसरी से लिया है मूर्छना का इस्तेमाल। पहाड़ी बड़ी बहुत खूबसूरत एक धुन है, राग तो क्या कहें। ग ग प ग ग सारे ध सारे रे 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 प ग सा नि ध नि ड ड र न र न न न र न, ये पहाड़ी है। तो कहां से गए थे, महका महक महका महका खेला खेला सा तेरा रूप बसंती, बाल कमर पे जैसे पहाड़ी की घनघोर घटाएं। ये इन्होंने तीसरी काली। पद सारे ग ग ग सारे ध सा नि ध नि प, फिर मेघ में आ गए हैं। मेघ जो है ये नि सा रे मा ब नि सा नि ब म रे नि प नि रे नि सा, बाली कमर पे जैसे पहाड़ी पर घनघोर घटाए, मेघ से नैना सावन भादो प्रेम करस बरसाए। अब जैसा कि मैंने बोला था, थोड़ा सा जैसे शब्दों का अपभ्रंश होता है उसी तरह से रागों का अपभ्रंश हो जाता है गजलों गीतों और भजनों में। तो ये निजरे सने दा मा पासा, अब धैवत जो है मेघ में नहीं लगता है लेकिन यहाँ इन्होंने विवादी के रूप में लगाया है। फिर आगे चलें तो तेरी सोहनी मोहनी मूरत कोमल कंचन काया, ये सोहनी है मारवा थाट की। सा ग म द सा नि र सा नि द म द नि द म ग म द ग म ग रे सा, तेरी सोहनी मोहनी मूरत कोमल कंचन काया, जाने गजल किस्मत से पाए तेरे रूप की तेरे हुस्न की छाया। छाया नट रागे बड़ी खूबसूरत बिलावल थाट की। परे ग म प ग म रे सा ध ब सा नि रे ग म न, थोड़ी थोड़ी हमीर की भी इसमें छाया आती है। छाया नट अपने आप में एक ऐसी राग है जो बड़ी मिश्रित राग है, जो हमीर भी दिखती है कामोद भी दिख जाएगी कभी कभार, बिलावल तो मूल है ही उसका। तो ये जा जाने गजल मारे ने रे सा किस्मत से पाए पर ग म ध प रे ग म प ग म रे सा, तेरे हुस्न की छाया। फिर रागेश्वरी आखिरी राग है, एक अंतरिकी नवी राग है, जिसमें सुखन रागेश्वरी का सा ग म ध नि ध ग म रे नि द सा, बागेश्वरी की जुड़वा बहन है। धनी सा ग शुद्ध ग म ध कोमल नि ग म ग म ध नि स ध नि ध ग म रे नि द सा, जिसमें सुखन रागेश्वरी का रूह संगीत लिखूं क्या तुझ पे नज्म लिखूं। एक के बाद एक राग ऐसे बदलती है दिमाग आपका घूमता रह जाए अगर आप ये रागें जानते हो तो, कि क्या ब्लेंड किया है इतनी खूबसूरती से एक राग से दूसरी राग में गए कि मालूम ही ना चले। यही तो रंगों का जो ब्लेंड है, यही रागों का ब्लेंड है। फिर अगला जो है वो धानी से शुरू होता है। धानी जो है भीमपलासी की जुड़वा बहन समझ लो, कि अवरोहात्मक ऋषभ धैवत हटा दो तो धानी है। नि सा ग म ब नि सा ग रे नि ब ग रे नि सा, ऋषभ लग जाता है लेकिन आरोह है। नि सा ग म ब नि सा तेरी धानी चुनरिया लहरे जैसे मधुर बयार, तेरी धानी नि सा ग म प प चुनरिया लहरे प नि सा ग रे सा नि प म ग जैसे मधुर बयार। फिर आती है
प्यार का गुलशन महका महका। ये थोड़ा मैं गा नहीं पा रहा हूँ, इतनी थोड़ी जटिल है यहाँ पे, क्योंकि जो राग है बाहर आया है और ये धुन बड़ी मुश्किल है। प्यार का गुलशन महका महका, तुझसे जाने बहार। ये बाहर आ गई। माँ बने दाने सारे बगमारे, मियां मल्हार से काफी मिलती जुलती है। रे पामा बने ने ने सा, तुझसे जाने बहार। फिर देखिए बड़ी आहा काफी की कॉम्पोजिशन। तेरी एक झलक है काफी, मुझको जान से प्यारी। ते काफी गनी कोमल की राग है। सारे गामा बदनी धामनी बगरे गामा पा सा सारे रे गामा पा मा बदनी सानी धामा बगरे नी दामा बगरे सा। तेरी एक झलक है काफी, मुझको जान से प्यारी। चाल नशीली देख के तेरी, रक्स करे दरबारी। अब बड़ी खूबसूरती से देखिए काफी से कैसे ये दरबारी में चले गए। दरबारी आसावरी थाट की राग। मा बदाने मा बसादाने मा बगमारे सा धारी रे रे सा। तो कैसे लिया? चाल नशीली देख के मावादाने मावासाजा देख के तेरी, रक्स करे। रक्स कहते हैं नृत्य को, डांस को। रक्स करे दरबारी, सर से पांव तलक दिलकश अंदाज तेरा शाहाना। शाहाना भी कानाडा का ही एक प्रकार है, वो इसमें इस्तेमाल हो गया। शाहाना तू मेरी गुण कली है जानम, मैं तेरा दीवाना। भैरव थाट की गुणकली का जो ब्लेंड है आप देखें। सा कोमल रे मा पा कोमल धारे कोमल सा, ये गुणकली है। गुणकली ध्यान रखिएगा, आगे जोगिया में इसका अंश आएगा। दामा बा रे रे सारे मा बा दामा बा, तू मेरी गुणकली है जानम, मैं तेरा दीवाना। फिर आती है देश। तेरी चाहत दिल में लेके देश विदेश। अब इसके बीच बीच में फिलर्स भी आते हैं, आप उसमें देखेंगे ना, तो मैं तो रेगुलर गा रहा हूँ, जब ये ओरिजिनल आप सुनेंगे तो उसमें बीच बीच में फिलर्स भी आते हैं जो या तो उस ही राग का म्यूजिक बच जाता है या अगली राग का एक अंदेशा आपको मिल जाता है। तो रे मा बने ने सा ने दा बा दा मा रे पा मा ग रे गा ने ने सा। तिलक कामोद भी काफी इससे मिलती जुलती है। तेरी चाहत दिल में लेके घूमा देश विदेश। फिर तुझसे जब भी दूर रहा हूँ धारा जोगिया भेस। अब जोगिया जो है भैरव की राग है और भैरव से इतनी मिलती जुलती है क्योंकि जाना गुणकली है आना भैरव है। सारे मा बा दा मा बा दा रे सा ने दा मा पा गा मा रे सा। ये अवरोहात्मक इसका भैरव है काफी। तो तुझसे जब भी दूर तुझसे जब भी दूर रहा हूँ धारा जोगिया भेस। फिर एंड जो है आप सभी लोग जानते हैं भैरवी से किया जाता है, तो वही किया। सदा सुहागन भैरवी तुझसे, सदा सुहागन भैरवी तुझको प्रीत किरीत लिखूं। और यहाँ
यहाँ पे शुद्ध ग लगा के दोबारा यमन में आ गए वो। सदा सुहागन भैरवी तुझको प्रीत किरीत लिखूं, क्या तुझ पे नज्म लिखूं और कैसा गीत लिखूं। बहुत मजा ही आ गया मुझे तो ये कंपोजिशन दोबारा, जब जब मैं किसी को सुनाता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ, तो मेरा तो रोम रोम खेल उठता है कि क्या खूबसूरत ब्लेंड्स हैं इसमें, है ना। आई गेस बहुत लंबा हो गया वीडियो, ऑलमोस्ट 50 मिनट का हो गया होगा मेरे ख्याल से, और उसमें मैंने इतनी सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं। तो ये मेरे अंदर का भंडार था जो मुझे खाली करना था, और यूट्यूब से बढ़िया माध्यम मुझे कोई लगता नहीं है जहाँ मैं वो भंडार खाली कर सकूँ, मुश्किल से मुश्किल हो कि आसान से आसान। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप जो देख रहे हैं, आप चुन के आए हैं यहाँ पे इस वीडियो को, आपने टाइम भी देखा था 50 मिनट, आपने नाम भी देखा था, मुझे भी देख लिया था, तो आपने ये सोचा कि इन तीनों का मिश्रण मुझे तो जानना है कि ये क्या है रागमाला, और इतना बड़ा हो भले वीडियो मुझे तो देखना है। तो जो अंत तक बैठा है उनको मेरा सलाम है। जैसा कि एक छोटा सा वाकया शेयर करता हूँ मैं, पंडित जसराज जी, स्वर्गीय पंडित जसराज जी, संगीत मारतंड, स्वर्गीय पंडित जसराज जी का एक कार्यक्रम चल रहा था जो बहुत घंटों तक चला, तो उसके अंत में उन्होंने अपने श्रोतागणों को सलाम किया था ये कहते हुए कि मुझे लगा नहीं था आप लोग इतनी देर बैठ जाएंगे, इतने घंटों बैठ जाएंगे, क्योंकि मैं तो गाते गाते खो गया था, ऐसा वो कह रहे थे, उनके शब्द हैं कि मैं तो गाते गाते खो गया था, मुझे नहीं लगा था कि मैं जब आँखें खोलूँगा तो मेरे सामने ऑडियंस बैठी होगी, लेकिन आप लोग हैं, इस बात की आपको दाद है। ये श्रोतागणों का कमाल है कि आप इतने सुधी हैं, इतने दिमाग रखने वाले हैं बेसिकली, है ना। मैं मेरी बढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन इस टॉपिक की बढ़ाई कर रहा हूँ कि टॉपिक बड़ा मुश्किल था जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी, लेकिन आप लोग यहाँ तक बैठे हैं और समझने का प्रयास किया है, बहुत कमाल लोग हैं आप लोग, है ना। तो देखते रहें, इसी तरह से कुछ ना कुछ नया लाता रहूँगा, कोशिश करता हूँ कुछ रिपीट ना करूँ, है ना, समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, यूनिक, बिकॉज संगीत प्रवाह वर्ल्ड, यूनिक संगीत धारा ही हमारा नाम है और यही हमारा काम है। बहुत धन्यवाद।